Good morning, dear student. How are you? I hope you are fine. As you know, we have finished our exercise 2.2 in our previous video. Today we are going to start our exercise 2.3 in this video. Exercise 2.3, class 8th. So let's start. Solve the following equation and check. Okay, solve the following equation and check योर रिजल्ट. हमें हमारी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे रिजल्ट को चेक भी करना है. देखो डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x = 2x + 18. ओके, दिस इज़ आर क्वेश्चन. क्या करना है, पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 3x - 2x = 18 हमें क्या कर दिया, जो आपकी लाइक टर्म्स है उनको एक साइड शिफ्ट कर दिया है. तो इनको सबट्रैक्ट किया तो x = 18. इट मीन्स हमारा आंसर आया इसका 18. अब हमें क्या करना है, चेकिंग करनी है, स्किल चेकिंग. ओके, तो आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट कर देंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं. देखो तो 3 x की वैल्यू आपने 18 पुट करी, = 2 x की वैल्यू 18 पुट करी, +18 सॉल्व किया, 3 18 = 54 = 18 to 36 देन +18. तो इन सबको ऐड किया इधर, तो इस आपका आंसर दोनों तरफ बैलेंस हो गया है. इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल राइट है. हमारे आंसर को हम अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों तरफ बैलेंस्ड होनी चाहिए. ओके फाइन, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया जाए, ये सेवन्थ वाला क्वेश्चन नंबर सेवन है. क्वेश्चन नंबर सेवन वैसे तो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. योर क्वेश्चन इज x = 4/5 x + 10. दिस इज आर क्वेश्चन. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है. वैसे तो ये सिंपल फॉर्म में दो तरीके से चेंज हो जाएगा. आप चाहो तो इस 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहो तो क्या करो, इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 5 डिवाइड में है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो देखो 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 5x = ये 4 आपके पहले तो फिलहाल ऐसे ही नोट डाउन कर दो, बाद में करेंगे. देखो 5x = 4x + 10, दिस इज़ आर इक्वेशन इन द सॉल्विंग प्रोसेस. तो 4 को इधर शिफ्ट किया तो 5x - 4x = 10, 5 - 4x हो गया = 10. तो आप देख सकते हैं हमारे x की वैल्यू क्या मिली हमें, 10 मिल चुकी है. ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे. अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते टाइम हम देख सकते हैं कि जब हमने इसको सॉल्व किया, तो लेट्स सॉल्व, x की वैल्यू जब हमने पुट करी तो यहाँ पर देखो आपके x की वैल्यू 10, x की प्लेस पर 10 आ ही जाएगा. ओके, देन अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट मिस्टेक हो गई है. ओके, देखो यहाँ पर कैसे मिस्टेक हुई, 4 को मैंने x से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस 4 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके 40 हो जाएगा. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. तो ये 4x + 10 था, तो ये 4 आपके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपके 40. ओके, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो आगे सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 40 आ गई थी. तो हमने इसको सॉल्व किया 4/5, और फिर देखो x की वैल्यू 40 है +10. सॉल्व करते हैं, 40 = 4 × 50/5. चलो अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 × 40 = 4 × 50 होना चाहिए. तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके 200 = 200. तो हमने क्या कर दिया, हमारी इक्वेशन को चेक भी कर दिया. यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं. ओके, इस टाइप से हमने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8. ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। दिस इज आवर क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसको पहले तो जो इसकी लाइक टर्म्स हैं इनको एक साइड शिफ्ट कर दो। तो 2x अपॉन 3 इसके इधर आएगा तो 7x अपॉन 15 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आया आपके 15, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 7x इक्वल टू 3 माइनस 1। इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 10x माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 2। फाइन, अब देखो 10 में से 7 माइनस होगा तो 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। ओके, अब आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा x से तो x का x रह जाएगा, आपके ये 15 जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 इंटू 15 और 3 आएगा आपके डिवाइड में, इससे कट हो गया 5 टाइम, तो x इक्वल टू आया आपके 10। ओके, x इक्वल टू आपके 10 आया है, तो क्यों ना हम हमारे आंसर को चेक कर लें। तो चेक करते टाइम आप सिंपल सा प्रोसेस लगाएंगे, क्या कि दोनों तरफ आप x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। देखो चेकिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, 2x की वैल्यू 10 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7, x की वैल्यू 10 अपॉन 15 प्लस 3, तो ये हो गया 20 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 15 अपॉन 3। तो अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 3, तो 20 प्लस 3 इक्वल टू, ये एलसीएम आएगा यहाँ पर 15, तो ये आया आपके 70 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 45। ओके, तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते टाइम आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये तो होगा आपके 23 अपॉन 3 और ये होगा आपके 503 अपॉन 15। तो आप इसको कट करें 5 से, तो ये हो सॉरी 5 से नहीं होगा, 5 से ही होगा, सॉरी यहाँ 11 आएगा। ओके, तो इसको कट किया हमने 5 से, तो ये आएगा आपके 21 अपॉन 3 और ये भी होगा आपके 21 अपॉन 3। तो डियर स्टूडेंट, बाय दिस मेथड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।